सो गाइस यार, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ColorOS 14 के ऑफिशियल अपडेट लिस्ट के बारे में। तो हमारे पास ColorOS 14 के ऑफिशियल अपडेट लिस्ट आ चुके हैं, जहां पर बीटा और ऑफिशियल अपग्रेड लिस्ट जो कि है ColorOS 14 अपग्रेड एडेप्शन प्लान, जहां पर हम अगर यहां पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहां पर क्विक रेस टू ऐसे ही कुछ फीचर के बारे में बताया गया और यहाँ पर अपग्रेड के कुछ फीचर। और अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पब्लिक बीटा वर्जन प्लान जो कि है यहाँ पर लिस्ट। पहले आप देख सकते हो नवंबर 6, जहाँ पर वन प्लस एसी लिखा है। तो यहाँ पर वन प्लस एसी शायद कोई ग्लिच की वजह से आया है, क्योंकि ये ऑफिशियल चाइना का कंट्री है। तो यहाँ पर अगर आप नवंबर 7, 2023 की बात करें तो यहाँ पर वन प्लस एसी रेसिंग एडिशन जो कि वन प्लस की है। तो यहाँ पर नीचे ओप्पो रेनो 10 प्रो शिंगलाई एडिशन जो कि अभी भी इंडिया पर रिलीज नहीं हुआ। उसके बाद ओप्पो रेनो 10 प्रो और ओप्पो K10 जो कि नवंबर 7 को आएगा। इसके बाद नीचे नवंबर 8, 2023 को रेनो 8 को अपडेट मिलेगा। नवंबर 9 को ओप्पो रेनो 8 प्रो, ओप्पो A1 और ओप्पो K11X जो कि अभी भी अनरिलीज्ड है, बीटा वर्जन अपग्रेड प्लान रिसीव हो जाएगा। तो अगर नीचे देखें नवंबर 15 को, तो यहाँ पर ओप्पो K10X और ओप्पो A1 प्रो को अपडेट मिलेगा। और नवंबर 16, 2023 को ओप्पो फाइंड N और ओप्पो K10 प्रो को अपडेट मिल जाएगा। तो नवंबर 20 को ओप्पो रेनो 10, ओप्पो K11, ओप्पो रेनो 9 और ओप्पो K10 वाइब्रेंट एडिशन को अपडेट मिलेगा। और नवंबर 21 को ओप्पो फाइंड X3, ओप्पो फाइंड X3 प्रो मार्स एक्सप्लोशन एडिशन और ओप्पो फाइंड X3 प्रो और लास्ट पे ओप्पो फाइंड X3 प्रो फोटोग्राफर एडिशन को अपडेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर नवंबर मंथ को बीटा अपडेट कंप्लीट होने के बाद दिसंबर मंथ में ओप्पो फाइंड N3 फ्लिप, ओप्पो A57 और ओप्पो A97 को एंड्रॉयड 14 की बीटा अपडेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर बीटा अपडेट हो जाता है कंप्लीट। तो अगर ऑफिशियल लिस्ट के बारे में बात करा जाए तो यहाँ पर नवंबर 16 को ओप्पो फाइंड X6 प्रो, ओप्पो फाइंड N2, ओप्पो रेनो 9 प्रो, ओप्पो फाइंड X6 और ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप। तो ये था कुछ ओप्पो के एंड्रॉयड 14 के ऑफिशियल वर्जन लिस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे।